नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है फायरबोल्ट ऑलमाइटी स्मार्ट वॉच जो हाल ही में लॉन्च हुई है और आपको मिलती है फ्लिपकार्ट पे 4999 में। तो 5000 इस वॉच की प्राइस है और बात करेंगे इसके खासियत की। तो इसमें है 1.39 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, इसके साथ आपको मिलेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, मतलब आप जो क्लॉक स्टाइल है उसे हमेशा के लिए ऑन रख सकते हो अपनी वॉच पे। साथ ही साथ इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग का भी फंक्शन है, तो आप अपनी वॉच से ही कॉल कर सकते हो, कॉल को अटेंड कर सकते हो, मतलब रिसीव भी कर सकते हो और मेक भी कर सकते हो। इसके अलावा इसमें आपको मिलता है वॉइस असिस्टेंट का फीचर, तो अगर आप एंड्रॉइड में यूज करोगे तो आपको मिलेगा ओके गूगल का फीचर इसमें ही इनबिल्ट। और इसके अलावा आप सिरी को भी अपनी वॉच से ही एक्टिवेट कर सकते हो, वेकअप कर सकते हो। इसका डिस्प्ले काफी शार्प है क्योंकि इसमें है 454x454 का पिक्सल रेजोल्यूशन, मतलब 461 का पीपीआई आपको देखने मिलेगा, तो जो भी डिटेल्स होगी वॉच में वो काफी शार्प होने वाली है। इसके अलावा इस वॉच में है SpO2, डायनामिक हार्ट रेट, वॉइस असिस्टेंट, इनबिल्ट माइक एंड स्पीकर, मतलब जो आप म्यूजिक है, ऑडियो है वो भी प्ले कर सकते हो अपनी वॉच पे ही। 11 स्पोर्ट्स मोड है, मैसेज रिमाइंडर, स्मार्ट नोटिफिकेशंस, ब्लड प्रेशर, फीमेल हेल्थ केयर, कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, स्लीप ट्रैकर, वेदर अपडेट और IP67 वाटर रेसिस्टेंट। दोस्तों, हम करने वाले हैं इस स्मार्ट वॉच का फुल सेटअप, देखेंगे कौन कौन से फीचर्स और सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं वॉच में और ऐप में। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, देखेंगे बॉक्स के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें मिलती है। दोस्तों, तो बॉक्स में मिलती है आपको इतनी चीजें, ये है बोल्ट प्ले ऐप का मेंबरशिप वाउचर, Z5 प्रीमियम सब्सक्रिप्शन 1 महीने के लिए, गाना प्लस ऐप का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन, आप इन्हें रिडीम कर सकते हो। लेकिन रिडीम करने के लिए आपको इस स्मार्ट वॉच का रिव्यू देना पड़ेगा फ्लिपकार्ट पे और उसकी स्क्रीनशॉट आपको शेयर करनी पड़ती है वेबसाइट पे जो दी गई है सभी वाउचर पे, उसके बाद ही आपको कूपन कोड मिलेगा। फिर ये है वारंटी कार्ड, आपको वारंटी को किस तरीके से एक्टिवेट करना है मैं आपको बताऊंगा, और बाद में आपको मिलता है ये यूजर मैनुअल, स्मार्ट वॉच और ये चार्जिंग केबल। दोस्तों, इस स्मार्ट वॉच को फुल चार्ज करने के लिए लगते हैं 2 घंटे। आप 5 वॉट, 10 वॉट या फिर 15 वॉट का चार्जर यूज कर सकते हो, या फिर आप अपने कंप्यूटर के USB पोर्ट से भी चार्जिंग कर सकते हो। जितना स्लो चार्जिंग करोगे उतना बेहतर होगा आपके स्मार्ट वॉच के बैटरी लाइफ के लिए। और यूज करने से पहले फर्स्ट टाइम आपको फुल चार्ज करना है इस वॉच को। दोस्तों, बात करते हैं बैटरी बैकअप की। तो स्टैंड बाय में 15 दिन का बैटरी बैकअप मिलता है, लेकिन अगर आप यूज करते हो इस वॉच को तो 5 दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा मैक्सिमम, और अगर आप कॉलिंग फंक्शन का यूज करते हो तो आपको 1 या 2 दिन का बैटरी बैकअप मिल सकता है। जितना ज्यादा आप कॉलिंग करोगे अपनी वॉच पे उतना कम बैटरी बैकअप आपको मिलेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। दोस्तों, बात करते हैं फिजिकल ओरियो की। तो सबसे पहले देखेंगे बैक में, तो आपको मिलेंगे तीनों सेंसर्स, हार्ट रेट, SpO2 और ब्लड प्रेशर। इसके अलावा यहाँ पे चार्जिंग के लिए स्लॉट है, और यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 बटन्स, दोनों का अलग अलग फंक्शन है, और जब आप इन्हें प्रेस करते हो तो अच्छा टैक्टाइल फीडबैक मिलता है, तो अच्छी बात है। और ये जो डायल बॉडी है ये जिंक एलॉय की है, मेटालिक, और इसका बैक है पॉलीकार्बोनेट का, स्ट्रैप जो है लेदर के है आप देख सकते हो, जिन्हें आप रिप्लेस भी कर सकते हो। रिप्लेस करने के लिए, चेंज करने के लिए आपको इस पिन को नीचे की ओर खींचना है और फिर बाहर करना है, इस तरीके से आप इसे इस तरीके से निकाल सकते हो, और इंसर्ट करने के लिए नीचे की ओर अलाइन करना है सबसे पहले, और फिर ऊपर में इस पिन को खींचना है, और ऊपर में यहां पे उस पिन को भी अलाइन करना है इस तरीके से। दोस्तों, हम इसे करेंगे पेयर। पेयर करने से पहले आपको इसे स्विच ऑन करना है, लेकिन स्विच ऑन करने से पहले आपको इसे फुल चार्ज करना है। फुल चार्ज करिए फर्स्ट टाइम, बाद में इसे स्विच ऑन करिए। स्विच ऑन करने के लिए आपको ऊपर के बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है, वॉच स्विच ऑन हो जाएगी। अब हम करेंगे इसे पेयर फोन के साथ। दोस्तों, इस स्मार्ट वॉच को पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है स्मार्ट टाइम प्रो। आप इसे डाउनलोड कीजिए, आपको इसे करना है ओपन, एग्री करना है, फिर करना है नॉट लॉग्ड इन एट, मतलब आपका पहले से अकाउंट नहीं है इस ऐप में, तो हम करेंगे नॉट लॉग्ड इन एट। मेल फीमेल सिलेक्ट करना है, आप यहां पे अपना निकनेम ऐड कर सकते हो, कोई भी नेम, फोटो भी आप यहां पे ऐड कर सकते हो। बाद में करना है नेक्स्ट, फिर आपका बर्थडे यहां पे ऐड करना है, यूनिट आपको मेट्रिक रखना है, नेक्स्ट करिए। हाइट और वेट आपको यहां पे सेट करना है, नेक्स्ट करिए। आपके गोल, कितने स्टेप्स आप चलना चाहते हो दिन में, आपको यहां पे ये सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है और कंफर्म करना है। जो स्मार्ट टाइम प्रो है उसे अलाउ करना है, अलाउ कीजिए, बैक आइए, और आपको अब आना है डिवाइस पे, तो यहां पे आप टैप कीजिए डिवाइस पे,
और ऐड डिवाइस इस पर टैप करेंगे हम व्हाइल यूजिंग द ऐप सेटिंग्स, और लोकेशन को अलाउ ऑल द टाइम करना है। बैक आइए, ब्लूटूथ को ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए, और ये रहा BSW013, यही है वॉच का मॉडल, आपको इस पर टैप करना है। फिर यहां पे कंफर्मेशन आएगा वॉच पे, आपको टिक पे टैप करना है। तो वॉच यहां पे कनेक्ट हो चुकी है। अब आपको कॉलिंग का फंक्शन यूज करना है अपनी वॉच में, तो आपको पेयर करना है। अगर आपको कॉलिंग का फंक्शन यूज नहीं करना है अपनी वॉच में, तो आपको कैंसिल करना है, लेकिन हम यहां पे कॉलिंग का फंक्शन यूज करेंगे अपनी वॉच में, इसलिए हम करेंगे पेयर। कंफर्म करिए, पहले है डायल, तो आप यहां से डायल फेस को चेंज कर सकते हो, आपको इस पर टैप करना है। ऑनलाइन डायल आपको यहां पे मिल जाएगी 50, ज्यादा नहीं है, केवल 50 ही आपको मिल जाएंगे क्लाउड फेसेस। तो आपको जो सेट करना है, आपको सिंक पे टैप करना है। मुझे मान लो ये वाला करना है, तो मैं यहां पे करूंगा सिंक, सिंक पे टैप कीजिए, डाउनलोड होगा, आपको वेट करना है, टाइम लगता है। तो हमने जो डायल सेट किया है, अब यहां पे अप्लाई हो चुका है वॉच में, देख सकते हो आप। अब हम देखेंगे अगर आपको अपनी खुद की फोटो सेट करनी हुई वॉच फेस पे, तो किस तरीके से आप कर सकते हो। आपको जाना है कस्टम डायल पे, कस्टम डायल पे टैप करना है। चार आपको ऑप्शन मिलेंगे, एक तो आप जो पिक्चर है बैकग्राउंड चूज कर सकते हो, 6 पिक्चर आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आपको अपनी खुद की फोटो सेट करनी है, तो आपको कस्टम बैकग्राउंड पे टैप करना है, एल्बम को ओपन करना है, और जो फोटो आपको सिलेक्ट करनी है, आपको उस फोटो को सिलेक्ट करना है, उसे आप क्रॉप कीजिए अपने हिसाब से। मैंने क्रॉप कर दिया है, अब आपको करना है डन। ये शो कर रही है यहां पे फोटो, ठीक है। इसके बाद आप दो तरीके से क्लॉक का यूज कर सकते हो, एक एनालॉग क्लॉक और एक डिजिटल क्लॉक। तो अगर आपको एनालॉग करना है, तो यहां पे टैप कीजिए। एनालॉग में आप पॉइंटर और स्केल अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। मुझे मान लो पॉइंटर ये वाला शो करना है, और स्केल मुझे ये वाला शो करना है, तो आप देख सकते हो यहां पे इस तरीके से शो करेगा, आपको कंफर्म करना है। या फिर अगर आपको डिजिटल क्लॉक करनी है, तो आपको इस पे टैप करना है, और यहां पे आप कलर चेंज कर सकते हो क्लॉक का, आप देख सकते हो इस तरीके से, और कंफर्म करना है आपको। तो आप जो वॉच रखोगे यहां पे, क्लॉक रखोगे, वो यहां पे शो करेगा, ठीक है, मुझे ये चाहिए। और इसके अलावा आपको इस वॉच फेस पे क्या क्या शो करना है, तो मैं चाहता हूं स्टेप्स और डिस्टेंस, दो चीजें चाहता हूं। आप चारों चीजें यहां पे शो कर सकते हो, और जो टेक्स्ट का कलर है उसे आप चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो अब मैंने कर दिया है, और करना है आपको कंफर्म। तो काफी अच्छा ये ऑप्शन है, आपको जो शो करना है आप यहां पे शो कर सकते हो। फिर आपको करना है सिंक। तो इस तरीके से यहां पे वॉच फेस सेट हो चुका है। अब हम जाएंगे बैक, बैक आने के बाद आपको मिलेगा अगला ऑप्शन मैसेज पुश का। तो आपको मैसेज शो करना है कि नहीं, यहां पे आपको इसे इनेबल करना है, अलाउ कीजिए। मिरर फोन का मतलब होगा कि जिस तरह से यहां पे नोटिफिकेशन शो करेगी आपके फोन में, सेम उसी तरीके से आपकी वॉच में भी नोटिफिकेशन आएगी। तो आपको मिरर फोन करना है, मतलब सभी नोटिफिकेशन शो करेंगी, लेकिन आपको सभी को करने की जरूरत नहीं है। आप जो मैसेजिंग ऐप है उसे इनेबल कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट ये इनेबल ही होगा, यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेज, जीमेल, ये इनेबल ही होता है। फिर भी आप चेक कर लेना, अगर इनेबल नहीं है तो आप इनेबल कर सकते हो। जो भी आप मैसेजिंग ऐप यूज करते हो, आपको उसे इनेबल करना है, क्योंकि ज्यादा अगर आप यूज करोगे नोटिफिकेशन, तो आपकी बैटरी ज्यादा यूज होगी। दोस्तों अब देखते हैं, अगर आपको कोई भी मैसेज आता है अपनी वॉच पे, तो किस तरह से शो करेगा। और मैसेज आ चुका है, लेकिन डिस्प्ले ऑन हुआ नहीं, इसका डिस्प्ले ऑन होता नहीं है, हालांकि वाइब्रेट होती है वॉच। फिर आपको इसे वेकअप करना पड़ता है, जैसे आप वेकअप करोगे सामने आपको मैसेज दिखेगा, आप देख सकते हो, और यहां पे आपको मिलेगा आपका मैसेज, लेकिन इसमें हिंदी फॉन्ट और इमोजी सपोर्ट नहीं करते, तो ये चीज आपको याद रखनी है। टाइम शो करेगा, ऐप का नाम होगा ऊपर में, अगर आपने मिस कर दिया इसे देखना है, तो आपको स्वाइप अप करना है, और यहां पे मैसेज शो होगा। आपको अगर इसे डिटेल में पढ़ना हुआ, तो इस पर टैप कीजिए, और आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हो। अगर आपको इसे डिलीट करना हो, तो आप यहां से डिलीट कर सकते हो। यहां पे आप एक साथ 8 नोटिफिकेशन को देख सकते हो, 8 से ज्यादा यहां पे नहीं दिखेंगी। आगे है इनकमिंग कॉल, तो अगर आप चाहते हो कॉल शो करे इस पे, तो आपको ऑन करना है, कंफर्म करना है, अलाउ कीजिए परमिशंस को, तब जाके ही जो कॉल रिमाइंडर है शो करेगा। फिर आगे है एंटी लॉस्ट, आपको इसे ऑन करना है। अब इसका मतलब क्या होता है, मान लो आप अपनी वॉच से 10 मीटर के रेंज से बाहर हो, तो आपको एक अलर्ट आएगा आपकी वॉच पे कि आप अपने फोन से दूर हो, तो इसे कहते हैं एंटी लॉस्ट। मैंने लेकिन ये चेक किया, लेकिन ये वर्क करता ही नहीं है, तो आप देख सकते हो अगर आपकी वॉच में करता है कि नहीं करता है।
फिर आगे है डू नॉट डिस्टर्ब का मोड, अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी आपकी वॉच पे, वाइब्रेशन ऑफ हो जाएगा, ब्राइटनेस कम हो जाएगी। और आगे है अलार्म क्लॉक, तो आप यहाँ पे एक साथ 5 अलार्म सेट कर सकते हो। आपको एड पे टैप करना है, टाइम सेट करना है, एएम पीएम सेट करना है, कौन से डे पे आपको ये देना है अलार्म, आपको यहाँ पे डे सिलेक्ट करना है, कंफर्म करना है, टिक करना है। इस तरीके से आप यहाँ पे एक साथ 5 अलार्म को सेट कर सकते हो। और आपको इनमें से किसी को डिलीट करना हो तो आपको इस तरीके से स्वाइप करना है और यहां से आप डिलीट भी कर सकते हो। और जो भी आप यहाँ पे बनाओगे अलार्म आपको शो करेंगे आपकी वॉच पे। बैक आइए, आगे है सेडेंटरी अलर्ट, अगर आप इसे ऑन करोगे और आपने मान लो यहाँ पे 1 आवर सिलेक्ट किया है, तो मान लो 1 घंटे के लिए आप बिना किसी एक्टिविटी के ऐसे ही बैठे हुए हो आइडल, आपने कोई भी एक्टिविटी नहीं की है, तो आपको अलर्ट आएगा। और ये अलर्ट कौन से टाइम के बीच में आना चाहिए, स्टार्ट टाइम एंड टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब हर 1 घंटे के बाद आपको अलर्ट आएगा अगर आप एक्टिविटी नहीं करते हो तो। और आपको यहाँ पे डे भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। बैक आने के बाद आगे है यूनिट ऑफ मेजर, आपको हमेशा यहाँ पे मैट्रिक ही रखना है, हम मैट्रिक यूज करते हैं, मीटर किलोमीटर जो भी है वो। और इसके आगे है शोक, शोक का मतलब है कि वाइब्रेशन अगर होता है तो कितने बार होना चाहिए, मान लो कोई भी मैसेज आता है आपकी वॉच पे तो कितने बार वाइब्रेट होना चाहिए, तो आप यहाँ पे वंस, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम कर सकते हो। इसका वाइब्रेशन काफी लाइट है तो कभी कभी आपको फील नहीं होगा, इसलिए आप 3 टाइम्स कर सकते हो, तो जब भी कोई मैसेज आएगा आपकी वॉच 3 बार वाइब्रेट करेगी। आगे है टर्न द रिस्क स्क्रीन, अब इसका मतलब क्या है, जब आप इसे ऑन करोगे टाइम आपको यहाँ पे 0:0 ही करना है, कंफर्म करना है। तो अब डिस्प्ले इसका ऑफ है, अगर मैं टिल्ट करूंगा डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, वापस नीचे करूंगा डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा, आप देख सकते हो, ऊपर करूंगा ऑन हो जाएगा, नीचे करूंगा ऑफ हो जाएगा, तो इस तरीके से एक फीचर काम करता है दोस्तों। फिर आगे है हार्ट रेट मॉनिटरिंग, जो ऑन है आपको यहाँ पे इसे ऑफ करना है अगर आप बैटरी सेव करना चाहते हो तो। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 30 मिनट से, मतलब हर 30 मिनट के बाद आपका हार्ट रेट मेजर होगा, तो आप इसे बढ़ा भी सकते हो, 2 घंटे कीजिए तो हर 2 घंटे में हार्ट रेट मेजर होगा। और ये कौन से टाइम के बीच में होना चाहिए, तो आपको टाइम सेट करना है, कब से लेकर कब तक ये ऐसा चलना चाहिए, आप टाइम सेट कर सकते हो। अगर आपको यूज नहीं करना है, अगर आपको बैटरी सेव करनी है, तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हो। आगे है शेड्यूल का ऑप्शन, तो आप यहाँ पे रिमाइंडर सेट कर सकते हो, आप एक साथ 5 रिमाइंडर सेट कर सकते हो, मतलब किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कोई मीटिंग है या कोई भी इंपॉर्टेंट डेट है जो आप याद रखना चाहते हो, उसका रिमाइंडर सेट कर सकते हो। आपको ऐड करना है, टाइटल ऐड करना है, मान लो बर्थडे के लिए तो बर्थडे आप टाइटल ऐड करिए, कौन सा भी टाइटल। इसके बाद टाइम और डेट आपको सेट करना है अपने हिसाब से। फिर आपको यहाँ पे टाइम ऑफ इवेंट, मतलब रिमाइंड कब आना चाहिए, टाइम से पहले आना चाहिए तो कितने मिनट पहले आना चाहिए, कितने घंटे पहले आना चाहिए, कितने दिन, कितने हफ्ते पहले आना चाहिए, इस तरीके से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। मैंने किया है 5 मिनट पहले, तो इस टाइम से 5 मिनट पहले ये रिमाइंडर आएगा। और आप यहाँ पे नोट लिख सकते हो कि किसका रिमाइंडर है, क्या करना है आपको, इस तरीके से ज्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। इस तरीके से आपको करना है टिक पे टैप, ये सिलेक्ट हो चुकी है। और अगर आपको इसे डिलीट करना हुआ तो स्वाइप कीजिए, यहां से आप डिलीट कर सकते हो। और जो भी आप यहाँ पे सेट करोगे रिमाइंडर शेड्यूल यहाँ पे शो करेंगे वॉच में। बैक आने के बाद आगे हेल्थ केयर का ऑप्शन, तो ये है फीमेल लोगों के लिए, आप इसे ऑन कर सकते हो। पीरियड लेंथ, साइकिल लेंथ, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, पीरियड रिमाइंडर, ओवुलेशन रिमाइंडर, रिमाइंडर टाइम सेट कर सकते हो। और आगे है कैमरा, तो आप यहां से कैमरा को ओपन कर सकते हो और फिर आपको यहाँ पे अलाउ करना है, एक बार वापस कैमरा को ओपन करना है। यहाँ पे शटर बटन आएगा, आपको टैप करना है, फोटो क्लिक हो जाएगी, आप देख सकते हो। और आगे है फर्मवेयर अपग्रेड, यहां से आप अपडेट कर सकते हो अपनी वॉच को। और ये है सिंक कॉन्टैक्ट, आपको पता होगा इस वॉच में आप कॉल भी कर सकते हो, और आप इस वॉच में एक साथ 20 कॉन्टैक्ट्स को सेव कर सकते हो क्विकली डायल करने के लिए। तो आपको सिंक कॉन्टैक्ट्स पे टैप करना है, तो आपको प्लस के साइन पे टैप करना है, और जिस किसी कॉन्टैक्ट को आपको ऐड करना है आपको टिक करना है उसके सामने। तो मैंने 20 कॉन्टैक्ट को ऐड किया है, फिर आपको करना है डन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट शो कर रहे हैं, और यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट शो करेंगे वो आपको आपके वॉच में भी मिलेंगे देखने। जैसे आप देखोगे यहाँ पे स्वाइप करोगे राइट में, फोन बुक में जाओगे तो ये रहे कॉन्टैक्ट जो आपने ऐड किए हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट उस पर टैप करके कॉल कर सकते हो। फिर आपको अगर इसे अनबाइंड करना हो तो आप अनबाइंड कर सकते हो, यहां से अनपेयर कर सकते हो। फिर आगे है मी का ऑप्शन, यहां से आप जो अपनी इंफॉर्मेशन है उसे चेंज कर सकते हो। और आगे है थीम का ऑप्शन, आप ऐप की जो थीम है उसे चेंज कर सकते हो। अगर मैं ये करूंगा डार्क थीम तो जो ऐप होगा डार्क में हो जाएगा, या डार्क ग्रे थीम, इस तरीके से ये ऐप मुझे शो करेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर ये आपको फोन रिपेयर, यूआई रिपेयर, फोन रिपेयर का मतलब है कि अगर आपकी वॉच में फोन ठीक से शो नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं, तो आप इसे रिपेयर कर सकते हो यहां से।
यूआई रिपेयर, अगर यूआई में कोई प्रॉब्लम है, लैग कर रहा है, तो आप यहां से फिक्स कर सकते हो। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं आपकी वॉच में, तो आपको यहां से कुछ नहीं करना है दोस्तों। फिर होता है स्टेटस का ऑप्शन, तो आप यहां पे अपनी जो एक्टिविटी है वो चेक कर सकते हो। स्टेप्स पे टैप करोगे तो आपके स्टेप्स शो करेंगे, ये आज के लिए वीक वाइज मंथ वाइज ग्राफ के साथ शो करेंगे, और आप यहां से डे वीक मंथ को चेंज कर सकते हो। एरो पे टैप करके बैक आइए, आगे होता है किलो कैलोरी का ऑप्शन, तो आपने अब तक कितनी एनर्जी बर्न की है आपको यहां पे शो करेगा। आप टैप कीजिए इस पे, डे वाइज वीक वाइज मंथ वाइज ग्राफ के हिसाब से शो करेगा। और फिर ये है किलोमीटर के लिए, डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस भी सेम तरीके से शो करेगा डे वाइज वीक वाइज और मंथ वाइज ग्राफ के साथ। आगे हार्ट रेट, अगर आपने हार्ट रेट को मेजर किया होगा तो आपको टाइम के साथ शो करेगा कितने बजे आपने मेजर किया था, कितना रिजल्ट आया था, आपको मिनिमम मैक्सिमम शो करेगा, एवरेज भी शो करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे डे वाइज वीक वाइज मंथ वाइज। फिर आगे है ब्लड प्रेशर, तो यहाँ पे आपको एसबीपी डीबीपी दोनों रीडिंग मिलेंगी। अगर आपने मेजर किया होगा वॉच में तो आपको यहाँ पे शो करेगा ग्राफ वाइज, आप देख सकते हो। आगे है ब्लड ऑक्सीजन एसपीओ2, अगर आपने मेजर किया होगा तो मिनिमम मैक्सिमम शो करेगा ग्राफ के साथ डे वाइज वीक वाइज मंथ वाइज। फिर आगे है स्लीप डेटा, तो आप कितने घंटे के लिए सोए थे आपको पता चलेगा। डीप स्लीप, लाइट स्लीप और अवेक टाइम भी यहाँ पे शो करेगा डे वाइज वीक वाइज और मंथ वाइज। फिर आगे है प्रेशर का ऑप्शन, इसे कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो अगर आपने स्ट्रेस मेजर किया होगा अपनी वॉच में तो यहाँ पे शो करेगा, तो आप डे वाइज वीक वाइज मंथ वाइज चेक कर सकते हो ग्राफ के साथ। फिर आगे है वेट का ऑप्शन, तो आप मैनुअली यहाँ पे वेट को ऐड कर सकते हो केजी में, ताकि आपको आसानी हो ट्रैकिंग करने के लिए आपका वेट किस तरीके से बढ़ रहा है घट रहा है। फिर आगे है एडिट कार्ड का ऑप्शन, तो ये जो कार्ड है आप इन्हें ऊपर नीचे कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। आपको यहाँ पे टैप करना है और यहाँ पे लॉन्ग टैप करिए, इसे ऊपर लेके जाइए, लॉन्ग टैप करिए, इसे ऊपर लेके जाइए, इस तरीके से आप इन्हें ऊपर नीचे कर सकते हो और उसी तरीके से यहाँ पे शो करेंगे कार्ड्स दोस्तों। तो ये थी वो चीजें जो आपको मिलती है इस ऐप में। अब हम देखेंगे कौन कौन से फीचर्स आपको मिल जाते हैं इस वॉच में। तो वॉच के वॉच फेस को अगर आपको चेंज करना हो तो आपको लॉन्ग टैप करना है स्क्रीन पे, फिर आप स्वाइप करके जो वॉच फेस है उन्हें चेंज कर सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको ये सेट करना हो तो आप इस पे टैप कीजिए, ये यहाँ पे सेट हो चुका है। जैसे आप स्वाइप डाउन करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर, सबसे पहला जो आइकन होता है वो होता है कॉलिंग के लिए। अगर आपको वॉच में कॉलिंग का यूज करना है तो आपको इस पे टैप करना है, आपका जो फोन होगा पेयर हो जाएगा। अब जो भी कॉल आएंगे आप अपने वॉच में रिसीव कर सकते हो, तो इसके लिए आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना है। ये अच्छी बात है कि आपको एक बटन दिया जाता है तो आप क्विकली इनेबल डिसेबल कर सकते हो। अगर आपको अपनी वॉच पे कॉल को एक्सेप्ट नहीं करना है, रिसीव नहीं करना है, तो आप इसे डिसेबल कर सकते हो, मतलब जो भी कॉल्स आएंगे आप अपने फोन से ही रिसीव करोगे, वॉच से रिसीव नहीं कर पाओगे। अगर आपको वॉच से ही रिसीव करनी हो तो आप डायरेक्टली यहां से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। अगला है वाइब्रेशन के लिए, अगर आपको वाइब्रेशन को ऑन ऑफ करना है तो यहां से आप वाइब्रेशन को ऑन ऑफ कर सकते हो। फिर आगे है डीएनडी का ऑप्शन, तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो वाइब्रेशन ऑफ हो जाएगा, ब्राइटनेस कम हो जाएगी, कोई भी कॉल या मैसेज की नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो अगर मैं इसे ऑन करूंगा आप देखोगे वाइब्रेशन ऑफ हो चुका है, इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। और ये ब्राइटनेस के लिए, तो आप ब्राइटनेस को यहां से कम ज्यादा कर सकते हो, इस तरीके से आप यहां पे देख सकते हो। बैक आप ऐसे भी आ सकते हो स्वाइप करके, अगर आपको बैक आना हुआ तो ऐसे स्वाइप कीजिए, आप बैक आ सकते हो। और यहां पे आपको मिलेंगे दो बटन्स, पहले जो बटन है इससे आप मेनू में जा सकते हो इस तरीके से। अगर आपको बैक आना हुआ डायरेक्ट होम पेज पे तो इस पे टैप कीजिए, डायरेक्ट आप होम पेज पे आ सकते हो, बटन से होम पेज पे आ चुके, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्टली वर्कआउट मोड में जाना हुआ तो ये बटन है वर्कआउट मोड में जाने के लिए, डायरेक्ट आप यहीं से वर्कआउट मोड को स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। फिर आगे है सेटिंग्स का ऑप्शन, इसमें है ब्राइटनेस, डीएनडी और स्टैंड बाय डायल, इसका मतलब होता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो अगर आपको एओडी को शो करना है डिस्प्ले पे तो आपको इसे ऑन करना है, जब भी आपका डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा तो एक क्लॉक हमेशा के लिए शो करेगी आपके डिस्प्ले पे, आप देख सकते हो। हालांकि ब्राइटनेस उसकी कम रहेगी लेकिन वो हमेशा के लिए शो करेगा आपके डिस्प्ले पे, इस तरीके से आप देख सकते हो यहां पे ये क्लॉक जो है हमेशा शो करेगी आपके डिस्प्ले पे दोस्तों। फिर अगर आपको नोटिफिकेशन को देखना हुआ तो स्वाइप अप करना है और आप यहां पे नोटिफिकेशन को देख सकते हो। और अगर आप स्वाइप करोगे लेफ्ट में तो ये है एक्टिविटी रिकॉर्ड, स्टेप्स, डिस्टेंस और एनर्जी किलो कैलोरी में शो होगा यहाँ पे। फिर आगे है बीपीएम, मतलब हार्ट रेट यहाँ पे मेजर होगा, मैक्सिमम मिनिमम और एवरेज शो करेगा ग्राफ के साथ। आगे है स्ट्रेस, और ये ऑटोमेटिक मेजर होता रहता है, तो आपको बस यहाँ पे रीडिंग मिलेगी टाइम के साथ, मिनिमम मैक्सिमम। आगे वेदर, करंट वेदर शो करेगा और मैक्सिमम मिनिमम कितना रहेगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। आगे ऐप को डाउनलोड करने के लिए क्यूआर कोड, म्यूजिक को प्ले करने के लिए म्यूजिक को प्ले कर सकते हो लेकिन ये प्ले नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने फोन में म्यूजिक ऐप को ओपन करना है, म्यूजिक को प्ले करना है, पॉज करना है,
क्लोज करना इसे, फिर आप यहां से प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट करिए प्रीवियस, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप, ये म्यूजिक प्ले हो रहा है फोन में। अगर आपको वॉच में म्यूजिक को प्ले करना है तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको मिलता है स्पीकर। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है, स्वाइप डाउन करना है, यहां पे पहला जो आइकन है उस पर टैप करना है। इसके बाद जो भी आप म्यूजिक प्ले करोगे तो अब वॉच में प्ले हो रहा है, आप सुन सकते हो वॉच में प्ले हो रहा है। यहां पे स्पीकर है, ये रहा स्पीकर, आप देख सकते हो ये है स्पीकर। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे कॉल जो है वॉच में रिसीव करने हैं लेकिन म्यूजिक को प्ले करना है फोन में, तो आपको क्या करना है, आपको जो ये बी है ना ब्लूटूथ उस पर लॉन्ग टैप करना है, और फिर आपको बीटी 3.0 पे जाना है, गियर के आइकन पे टैप करना है, और ऑडियो को करना है डिसलेक्ट। इसका मतलब क्या, अभी कॉल आएंगे तो वॉच में आएंगे, वॉच से आप रिसीव कर सकते हो, लेकिन म्यूजिक जो भी प्ले करोगे म्यूजिक हमेशा आपके फोन में प्ले होगा। तो अब म्यूजिक फोन में प्ले हो रहा है। फिर इसके आगे है कॉलिंग फंक्शन के लिए फीचर, जिसमें फोन बुक जो भी हमने कॉन्टैक्ट को ऐड किया था यहां पे शो करेगा। तो अगर आपको इनमें से किसी भी कॉन्टैक्ट को कॉल करना हुआ तो उस पर आपको टैप करना है, कॉल हो जाएगा। आप देख सकते हो कॉल यहां पे जा रहा है, तो सामने वाले ने कॉल को रिसीव कर लिया है। ठीक है, तो जो भी आप कॉल पे बात कर रहे हो वॉच में आपको सुनाई दे रहा है, क्योंकि वॉच से ही आप कॉल रिसीव हुआ है। लेकिन आप इस कॉल को वॉच से फोन में ट्रांसफर कर सकते हो, तो यहां पे आपको इस आइकन पे टैप करना है। अब जो कॉल होगा फोन पे चला गया है, अब जो कॉल है फोन पे रिसीव हो रहा है, फोन पे बात हो रही है, आप देख सकते हो फोन से हो रहा है, ठीक है सब कुछ। लेकिन अगर आपको वापस अपनी वॉच में करना है कॉल को ट्रांसफर, तो यहां पे टैप कीजिए, कॉल जो होगा वापस वॉच में आ जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, आप यहां पे साइलेंट कर सकते हो कॉल को, इसके अलावा वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो कॉल का, और इसे कट भी कर सकते हो। टाइम और कॉन्टैक्ट नाम या नंबर यहां पे शो करेगा, कट करने के लिए यहां पे टैप कीजिए, कट हो जाएगा। अगर मान लो आपको कोई कॉल आता है सामने से तो किस तरह से शो करेगा, आप देख सकते हो, तो इस तरीके से शो करेगा। आप यहां से रिसीव कर सकते हो, कट कर सकते हो, रिसीव करिए, रिसीव हो चुका है, जो भी आप बात कर रहे हो वॉच से ही हो रही है, वॉच में सुनाई दे रहा है। फिर यहां पे आप देखोगे तो आपको मिलेगा फोन बुक कॉल हिस्ट्री, आप यहां पे एक साथ 6 कॉल हिस्ट्री को देख सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। और यहां पे आपको डायल का भी फीचर मिलता है, आप डायरेक्टली यहां से डायल कर सकते हो किसी भी नंबर को, तो आप यहां पे करोगे डायल नंबर तो आप यहां से कॉल कर सकते हो। तो अगर आपको कॉल करना हुआ तो आपको अपने फोन को यूज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपने वॉच से भी कॉल को डायल कर सकते हो। दोस्तों फिर जैसे आप इस पे टैप करोगे इस बटन पे, तो आपको मिलेंगे मेनू, इसमें होता है हार्ट रेट का फीचर, हार्ट रेट आप यहां से भी मेजर कर सकते हो। फिर ये होता है स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर, स्लीप डेटा, यहां पे स्लीप आवर मिनट में शो करेगा, डीप स्लीप, लाइट स्लीप आवर मिनट में शो करेगा। आगे वर्कआउट रिकॉर्ड, तो अगर आपने कोई वर्कआउट किया होगा तो यहां पे शो करेगा। फिर आगे है SPO2, फिर आगे अलार्म का ऑप्शन, तो आप यहां से अलार्म देख सकते हो जो भी आपने सेट किए हैं अपने ऐप में, यहां पे शो करेंगे, आप इन्हें यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके बाद आगे है म्यूजिक का ऑप्शन, वेदर का ऑप्शन, डायल का ऑप्शन, नोटिफिकेशन यहां से भी आप देख सकते हो। फिर है स्टॉपवॉच का ऑप्शन, तो आप यहां से स्टॉपवॉच स्टार्ट कर सकते हो। यहां पे लैप का ऑप्शन है, लैप आप क्रिएट कर सकते हो, स्टॉप करिए, बैक आइए। आगे टाइमर का ऑप्शन, तो आप अपने हिसाब से कितने भी आवर का, मतलब 24 आवर तक जो टाइमर है वो यहां पे सेट कर सकते हो, ये है आवर, मिनट और सेकंड, आप स्टार्ट करिए, और ये हो चुका है टाइमर स्टार्ट, स्टॉप कीजिए, बैक आइए। आगे है कैमरा कंट्रोल, तो आप यहां से भी कैमरा को ओपन कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको अपने ऐप को ओपन करना पड़ेगा, तब जाके कैमरा कंट्रोल काम करेगा, बिना ऐप ओपन किए कैमरा कंट्रोल काम नहीं करेगा। फिर आगे है फाइंड फोन, इसके जरिए आप अपने फोन को ढूंढ सकते हो। अगर आपने अपने फोन को कहीं पे रख दिया है, आपको पता नहीं, अगर आपका फोन साइलेंट पे है तो आप इस पर टैप कीजिए, प्ले कीजिए, आप इस तरीके से अपने फोन में रिंग कर सकते हो ताकि आप उसे लोकेट कर सको। फिर आगे है वॉइस,
असिस्टेंट का फीचर, यहां से आप ओके गूगल या फिर सीरी को एक्टिवेट कर सकते हो। तो आपको बस यहां पे टैप करना है, वेकअप हो जाएगा, देख सकते हो आप। At your service. दोस्तों इसमें वॉइस असिस्टेंट होने का फायदा यह है कि आपका फोन अगर लॉक भी हुआ फिर भी आप यहां पे उसका यूज कर सकते हो। अगर आप इस पर टैप करोगे आप देखोगे फोन मेरा लॉक है, लेकिन फिर भी हाउ इज द वेदर, इट्स 19 एंड पार्टली क्लाउडी टुडे, इट विल बी पार्टली क्लाउडी विद अ हाई ऑफ 32 एंड अ लो ऑफ 19। तो आपने देखा मेरा फोन लॉक था फिर भी मैंने ओके गूगल को वेकअप किया। आपको इस पर टैप करना पड़ेगा तब जाके वो वेकअप होगा इस तरीके से। फिर आगे है फीमेल हेल्थ, आप अगर फीमेल हो तो यहाँ पे अपना जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी इन्फो देख सकते हो। आगे शेड्यूल, जो भी आपने रिमाइंडर सेट किया है बर्थडे का, एनिवर्सरी का, हमने आप में किया था एक बर्थडे वाला, तो यहाँ पे शो करेगा, आप देख सकते हो। टाइटल है, टाइम है, और जो नोट हमने लिखी थी वो भी आपको पूरी नोट यहाँ पे दिखाई देगी। फिर आगे है वर्कआउट, यहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे है आउटडोर रन, ट्रेडमिल, क्लाइंबिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्पिनिंग, योगा, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, फ्री ट्रेनिंग। अगर आपको रनिंग स्टार्ट करना है तो आप रनिंग पे टैप कीजिए, ठीक है। आपको फिर इस पे टैप करना है, कंफर्म करना है इस ऐप में। यहां पे टाइम शो करेगा, बीपीएम शो करेगा, हार्ट रेट, स्टेप शो करेगा, स्वाइप कीजिए, किलो कैलोरी शो करेगा, डिस्टेंस शो करेगा किलोमीटर में, स्वाइप कीजिए। फिर आगे है स्टेप्स, मतलब एक मिनट में आप कितने स्टेप चल रहे हो और आपकी पेस कितनी है, स्पीड कितनी है। स्टॉप करने के लिए प्रेस कीजिए, रिज्यूम करने के लिए यहां पे टैप कीजिए, और एंड करने के लिए यहां पे टैप कीजिए, और ये एंड हो जाएगा। दोस्तों अब देखते हैं अगर आपको वारंटी को एक्टिवेट करना है तो किस तरह से करना है। वारंटी को एक्टिवेट करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है, लिखा हुआ है bolt.com वारंटी, आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो एक गूगल फॉर्म ओपन होगा, फिर यहां पे आपको अपना नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, चैनल ऑफ परचेस, यहाँ पे फ्लिपकार्ट या अमेजोन जो होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। चूज द प्रोडक्ट, आपको BSW013 करना है, फायरबोल्ट ऑलमाइटी यहाँ पे शो करेगा, इसे सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे लिखा गया है अगर आपको ये ऑफर्स चाहिए तो एस करना है, जिसमें है 3 महीने की एक्सटेंडेड वारंटी, एक्साइटिंग गिफ्ट वाउचर, कैशबैक नेक्स्ट परचेस के ऊपर। ऑर्डर आईडी आपको टाइप करना है, आपने कब परचेस किया था, डेट एंटर करनी है, और आपको रिव्यू अगर आपने दिया होगा तो रिव्यू को यहाँ पे अटैच करना है। अगर आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, फिर आपको करना है सबमिट, इसके बाद आपकी वारंटी एक्टिवेट हो जाएगी। दोस्तों ये था फुल सेटअप गाइड फायरबोल्ट ऑलमाइटी स्मार्ट वॉच का। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।